हेलो पेरेंट्स, मैं ग्रैंड व्यूअर कालिका स्वागत करती हूं आपका हमारे वीडियो के थर्ड पार्ट में। क्वेश्चंस, बचपन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। टेस्ट में क्वेश्चंस, होमवर्क में क्वेश्चंस, टीचर्स के क्वेश्चंस और घर पर भी क्वेश्चंस। लेकिन क्वेश्चंस हमेशा डराते नहीं हैं, क्वेश्चंस तो सही जवाब तक लेकर जाते हैं। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे बच्चों को समझने की कोशिश कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, और आज हम जानेंगे कि कैसे बच्चे ही इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस कुछ और सवाल दे देने हैं उन्हें। लेकिन ये सवाल MCQs यानी कि सही जवाब पे टिक करने वाले सवाल नहीं, बल्कि लॉन्ग आंसर टाइप्स होने चाहिए, जिनके जवाब लंबे लंबे हो। इससे पहले कि ये आपको ही जटिल लगने लगे, आइए सवालों पे आते हैं। क्या आप रेगुलर बेसिस पे अपने बच्चों से पूछते हैं कि उनका दिन कैसा गया? और अगर जवाब में सिर्फ अच्छा सुनने मिलता है, तो हैबिट डलवाइए कि वो पूरी डिटेल में आपको अपने उनके दिन के बारे में बताएं। कई बार कुछ बुरा भी निकल आएगा। क्या आप उनसे पूछते हैं कि वो जो बनना चाहते हैं या जिसकी तरह बनना चाहते हैं, उसका रीज़न क्या है? और हाँ, अगर कुछ महीने पहले ही आपको उन्होंने ये बताया था, तो शायद अब तक जवाब चेंज हो गया हो। क्या आप जानते हैं कि उनका बेस्ट फ्रेंड कौन है और क्यों है? क्या आप जानते हैं कि उसकी आखिरी लड़ाई उसके दोस्तों के साथ कब हुई थी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके लंबे लंबे आंसर्स आपको अपने बच्चों के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। कई बार बच्चे अपने दिन में हुई सिर्फ अच्छी बातें ही अपने माता पिता को बताते हैं। कई तो कहानियाँ बनाते हैं, लेकिन उनकी कहानियों को भी सच की तरह सुनकर सच निकाला जा सकता है, क्योंकि बच्चों को पूरे जीवन के लिए हैबिट होनी चाहिए बातें शेयर करने की, और ये विश्वास भी कि उनके माता पिता हमेशा मौजूद हैं उनकी बात सुनने के लिए।